तो भाई लोग कैसे हो दर वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल के गे गेम प्ले वीडियो में और देखो इससे बुरी शुरुआत क्या हो सकती है मैच की इससे बुरी शुरुआत मेरे को बता दो दो तीन बेसुरे एक तो अपने दोनों टीममेट उसके ऊपर से एक ऑल से बंदा गाना गा रहा है सोनिया सोनिया अरे कद्दू का सोनिया कान से खून निकलने वाला है मेरे ये भी डालना अरे गाना क्या चल रहा है गाना अभी तो मेरे को गया 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 गन ले लिया था ये बंदा यहां पर हेलो अरे क्या आ गया भाई ओ आ गया बोलता हूं आ गया ओ सणिया कैसे बाइक पहले गाना बताओ कैसे लगा रहा है ऊपर तक मार देगा नहीं कुछ मार करो ऐसे नहीं अरे मार गाने की तारीफ करो अरे मार दे यार भाई पहले बताओ गाना कैसा लगा भाई गाना कैसा लगा अरे मार गाना तो गा दे सोनिया तो गा सो जी करो अरे बहुत अच्छा नहीं 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 एकदम लोग यार भाई आप भी गा के दिखाओ गा के दिखाओ यार रिवाइव दो दो यार ऐसे मत गा के दिखाओ कौन सा भाई मेरे को नहीं आता यार मैं देख के आ रहा हूँ भाई ऐसे कर दो ओ हो कर दो एक बार ओ हो भाई रिवाइव ले लेंगे इनके मन रहा सॉरी यार इजी रख भाई क्या आवाज निकाली है भाई इससे और देखो मेरे ख्याल से शायद से शायद से उस बंदे पे मौका भी था कि यार हम लोग छोड़ देते उसे मैं छोड़ देता उसे जाने देता लेकिन यार उसने अपनी बेसुरी आवाज में गाना दोबारा दोहरा दिया एक तो मैं पूरे ये प्लेन प्लेन यही बेसुरा गाना सुनते हुए आ रहा हूं। और प्लेन के बाद नीचे आके जब उस बंदे को मैंने पकड़ लिया जो साथ दे रहा था बेसुरे गाने में उसका दोबारा गाना सुनना पड़ा मैंने बोला इसकी ऐसी तैसी पेटी डालो उसकी खैर इसके टीमेट लोग न जाने का होते यार ये रिवाइव बोल तो रहा था लेकिन इसका टीमेट कोई दिखा नहीं मेरे को आसपास सब तो ऊपर है और आगे गए इसको फोड़ दे आजा पीछे रह पीछे रह पीछे रह पीछे रह बहुत बढ़िया एक यहाँ नियत है नियत है गिर गिर गिरा दिया चलो एक और है उसका पीछे रुक जा गिरा आ गया सामने आया ऊपर से आ गया यार, मेरे अब ये तो ठिल गए चार के चार बंदे चारों के चारों एक ही टीम के होते हैं मैं अभी भी ये नहीं समझ पाया कि यार वो जो बेसुरा सिंगर था वो जो सोनिया सोनिया गा रहा था उसके टीममेट लोग किधर हैं रिवाइव रिवाइव बोल तो रहा था वो लेकिन कोई था ही नहीं अच्छा ही हुआ पेटी डाल दी एक तो उसका बेसुरा गाना और उसके ऊपर से कोई है भी नहीं यहाँ पे छोड़ देता उसे कोई और उसकी पेटी डाल देता जो कि बहुत बुरा होता तो से हम लोग गाड़ी घुमाते हैं और देखो हमको यहाँ पे कोई भगते हुए ऊपर की ओर जाते हुए दिखाता वो भी शायद गाड़ी लेके पहुंचा है तो करना कहता है ये गाड़ी उड़ाते हुए ले जाता हूं मैं right way,

मैं कितने दूंगा यार पता क्या पॉइंट देना ना अपमान होगा गानों का तो मैं कद्दू कुछ नहीं देने वाला लेकिन एक से दस आप क्या रेट करते हो इनके ये बेसुरे गाने को मेरे को कमेंट में जरूर बताना ले वो पीछे सामने 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 अब देखो बाकी दिन मैं बाहर नहीं देता हूं लेकिन आज नहीं आज मैं ये बहाना बिल्कुल नहीं दे रहा हूं ये जो शुरुआत में उतरते मेरे को ये बेसुरे गाने सुनने पड़े थे ना उनकी वजह से यार मेरा दिमाग काम करना बंद कर जाता है यहां पर मैं रिकॉर्डिंग में दोबारा से मेरे को सुनना पड़ रहा है और हो सकता है मैं कमेंट्री में कुछ गड़बड़ कर दू तो जान जाना सिर्फ इसलिए गड़बड़ हो रही है क्योंकि बेसुरा गाना मेरे दिमाग दिमाग पर दर्द दे रहा है बस यही वजह थी मैं नॉक भी हो गया के, के साथ जैसे-तैसे बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद अपने दिमाग से मैं वो घटिया थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा सा भी काफी है, काम चल जाएगा अपना खैर यहाँ पे इन दोनों की मैं पेटी बनाता हूँ और अपना बदला पूरा हो गया और आगे जाके सोनिया का तो नहीं पता लेकिन कुछ और लड़कियों से तुम्हारे भाई की सराई पर बाजी बिड़ जाती है और देखना कौन जीतेगा और हाँ भाई लोग तुम्हारे भाई का सेकंड चैनल चेकआउट करना मत भूलना सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में अब देखो वहां पे भी गलत सीन होते हैं लेकिन कई गुना ज्यादा और पबजी वाले गलत सीन नहीं असली जिंदगी वाले गलत सीन उसके लिंक उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में और हेडफोन लगाए बगैर देखना मत कोई भी वीडियो वहां पर और देखो ये गाड़ी का पीछा घाद से ज्यादा लंबा चलने वाला है और आगे जाके एक इतना खतरनाक कैंपर मिलता है कि क्या ही बताऊं कतई परेशान कर देगा वो खैर यहाँ पे लोग ब्रिज के और भग रहे होते हैं तो यार मेरे को लगा क्या पता आगे ब्रिज कैंप होगा अब ब्रिज कैंप होता तो है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक वाला ब्रिज कैंप नीचे, यार। नीचे ये। छोड़ दे उसने और जलती गाड़ी लेते हुए वो ब्रिज के वापस उस पार जा चुका है अब देखो सीन ऐसा होता है यार जब हम ब्रिज से आ रहे थे हम पे गोलियां चली थी लेकिन मेरे को पक्का पता नहीं चल पाया था कि कहां पे कौन खड़ा है अब पता चलने वाला है और जब पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है और वही जो बंदा गोली चला रहा था वहां से वही हद से ज्यादा दिक्कत देने वाला है हमको और यही वजह थी कि यार जब मैं इस पार से उस पार जा रहा था गोलियां हम पे चली थी लेकिन बहुत कम गोली चली थी क्योंकि इस पे बस एक लिमिटेड एंगल था लेकिन क्योंकि हम अब इस तरफ है तो इस पे एंगल भर भर के दबा के एंगल मिलेगा इसको अब कहू जहां नॉक हो गया था तो हिली वगैरह फैलता हूं और गलत सीन होंगे नॉक कर दे दो नहीं उसे नॉक किया तो ना उसे तो यार यहीं से तो पड़ रही है मार देगा वो बग्गी आ गई ले पीछे से और मेरे को लगा यार उसने नेड कर दिया तो मैं रिवाइव छोड़ देता हूँ और तांबे पे सुहागा करने के लिए पीछे से कोई बग्गी लेके आ चुका है यहाँ पर और देखो अगर यहाँ पे मैं ज्यादा देर तक रुका रहा तो बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ने वाली है अभी पीछे ये, कुछ टाइम बाद ये ट्रक ट्रुक लेके पूरा परिवार लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग समोक वगैरह करते हैं और देखो एक तरफ रस करने पड़ेगा और वो एक तरफ है सामने वाली तरफ यहाँ पे जहां पे कैंप करके बैठा है चला और इसी के साथ यार दोनों को लगभग एक ही टाइम पे पेल दिया पहले मैं इसकी बेटी बनाता हूँ आखिरकार ये पकड़ में आया अब देखो ये बिल्कुल छुप के पीक करके गोली चला रहा था स्प्रे देने में दिक्कत बहुत हो गई हाँ सस्ता स्प्रे भी कह सकते हो लेकिन आखिरकार जाके पकड़ में आ ही जाता है खतरनाक यार मतलब कहाँ पे कैंप करके बैठा था वो बहुत ही खतरनाक खैर तो भैया यहाँ पे हम लोग ये गाड़ी उठाते हैं और देखो जून इस तरफ बना है और यही बात मैं समझ नहीं पा रहा कि वो उस तरफ क्यों कैंप कर रहा था क्योंकि जून तो इस तरफ बन रखा है खैर तो भैया यहाँ पे मैं ये ड्रॉप लूटता हूँ और सामने पे वही लड़कियों वाली सुखाड़ आ जाती है दो निकालना चेंज करना है चलना है कि और तो बेस्ट और इसी के साथ एक बंदे को नॉक कर दिया तो करना क्या था यार मैं जाता हूं पीछे की ओर और अब सीधा रस कर देंगे अब वहां पे बंदे कितने बैठे हैं कद्दू कुछ नहीं पता लेकिन अब जाके पता लगी जाएगा अब जा रहे हैं पता चली जाएगा अब डिटेक्ट एक ही हुआ जल्दी मारो भाई हेलो हेलो क्वीन मोमिता हेलो जल्दी मारो भाई नाइस यार हेलो ऑल पे आए क्या आप हेलो हेलो जी अब देखो जहाँ पे ये लोग जिंदा होते हैं हमारे भाई बोलते हैं कि यार जल्दी मार दो इन्हें इसलिए नहीं कि यार हम जल्दी पेल दे इन्हें चिकन चुकन हो जाए सब कुछ बढ़िया जाए नहीं भैया जी लड़की से बात करना चाहते थे और बात कद्दू भी ना हो पाई बस जल्दी मैंने पेटी बना दी अब देखो यहाँ पे मैं लगभग फंस चुका था सीन ऐसा होता है मारकर आता है बंदे पे मेरे को लगा पीछे कहीं होगा रिवाइव बाजी करने जाएगा लेकिन ये तो घर के अंदर कैंप करके बैठा होता है खैर जो भी इन दोनों की पेटी बना दी इनमें से नजर ने कौन सा नाइक चला रहा था लेकिन आज दोनों को ही पेल दिया सामने बंदे सामने लास्ट मत खेल ले। अब ये लोग यार मेरे बिल्कुल बगल में गोली चला तो रहे थे लेकिन किस पे चला रहे थे वो मैं समझ नहीं पा रहा था बाद में पता चलता है अपने बगल में कोई बॉट होता है और पेल दिया इन्होंने बोट को एक किल मुके के बगल से चोरी कर दी खैर अब इनका देखो एक आखिरी बंदा बाकी था एक को मैंने नॉक कर दिया था तो मुहसे अभी -अभी चला तो छोड़ के यहाँ बड़े वाले रिज पे आ जाते हैं बड़ी पहाड़ी पे आ जाते हैं और यहां से मैं तैयार हो जाता हूँ करने के लिए पे भी शायद है खैर जो भी हो वो लोग तीन थे एक की पेटी डल चुकी है और एक को रिवाइव मिल चुका है अब देखना यह है रिवाइव होने के बाद कहां पे गए आखिर enemies ahead और इसी के साथ एक और बंदे को नॉक कर दिया लेकिन देखो यहाँ पे पेटी ना बन पाती खैर कोई दिक्कत नहीं है जितनी बार ये रिवाइव देंगे उतना ही बढ़िया है उतनी हेडसॉट गलती से मैं चिपका पाऊंगा इनके खैर यहाँ पे मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूँ और काफी ज्यादा टाइम बाद काफी ज्यादा इंतजार करने के बाद आखिरकार जाके ये लोग अब चेहरा दिखाएंगे मतलब बिल्कुल ही गायब हो गए थे अब एक बंदा चेहरा तो दिखाता है लेकिन देखो दूसरा बंदा बिल्कुल ही बिल्कुल ही गायब होने वाला है आगे से

और यहाँ पे भाई अपने गंदे गानों के साथ साथ गंदे आइडिया भी दे रहे होते हैं भैया जी जाते हैं कि यार अब इस रित से जाके मैं पिछली पहाड़ी पे चल जाऊं बस यही करता रहूंगा दिन भर पहाड़ी पे घूमता रहूंगा मैं। <laughs> चल चल इतने मान्यू नहीं भाई ना नाइस। और मेरे को सही में समझ नहीं आया यार वो उतनी दूर से कौन सी बंदूक चला रहा था मेरे ख्याल से वगैरह होगी लेकिन मैं पे देखता हूं कि यार इस बारी से रिवाइव नहीं मिलता मैं समझ गया था ये यहां से कहीं और जा चुका है और घूम के बिल्कुल साइड पे पहुंचा पड़ा था वो लेकिन जैसे तैसे मैं उसे ढूंढ ही लेता हूँ और पेटी भरी जाती है अब ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था यार मतलब मैं देखता हूँ जमीन पर गोलियां पड़ रही है और वहां पर सिर्फ एक ही जगह से गोली पड़ रही थी पड़ सकती थी एक ही जगह से वो थी बिल्कुल उल्टी वाली पहाड़ी तो वहां पे मैं घूमता हूँ लेकिन तब तक वो छुप चुका होता है लेकिन जैसे वो दोबारा पिक करता है लगता है गलती से और चिकन चुकन हो जाता है तो वैसे यार आज के वीडियो इतने बहुत अच्छे वीडियो देखने के लिए जाते जाते ये गलत सीन वाले गेम प्ले के लिए एक लाइक पहले जाना और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब और भी ऐसे गलत सीन वाले गेम प्ले सस्ती कमेंट्री और भी गलत सीन के लिए और यार वो गाने की रेटिंग देना मत भूलना मैं नहीं दूंगा अपमान होगा बाकी गानों का अपमान होगा उस गाने को रेटिंग देने पे लेकिन आप दे सकते हो तो दस में से कितनी रेटिंग दोगे कमेंट में जरूर बताना और यार तुम्हारे भाई का दूसरा चैनल चेकआउट जरूर करना उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में तो कल मिलते हैं यार बाँ बाँ। <laughs> feel paralyzed